इधर दिल्ली सरकार ने दंगा पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए विज्ञापन जारी किया है। इस विज्ञापन के जरिए पीड़ितों को डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने होंगे। आज से फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दंगा पीड़ितों की जिंदगी फिर से पटरी पर लाने के लिए दिल्ली सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। हालांकि दंगा पीड़ितों को मुआवजे के लिए जरूरी दस्तावेज दिखाने होंगे। युवा और बुजुर्ग की मौत पर 10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। मृतक नाबालिग के घर वालों को 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। किसी के शरीर को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा है तो उसे 5 लाख रुपए मिलेंगे। गंभीर रूप से चोटिल व्यक्ति को 2 लाख की मदद मिलेगी। मामूली रूप से घायलों को 20,000 रुपए दिए जाएंगे। जिसके सिर से माँ बाप का साया उठ चुका है उसे 3 लाख की मदद मिलेगी। किसी के जानवर की दंगे के दौरान मौत हुई है तो उसे 5,000 रुपए मिलेंगे। जिन्हें आम रिक्शा का नुकसान हुआ है उसे 25,000 रुपए का मुआवजा देकर भरपाई की कोशिश की जाएगी। ई रिक्शा गंवाने वालों को 50,000 रुपए की मदद मिलेगी। जिन लोगों की मौत हो गई है उनको हर एक को उनके परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जिसमें 1 लाख रुपया एक्स ग्रेशिया और 9 लाख रुपए डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद होगा। माइनर के केस में डेथ ऑफ अ माइनर में 5 लाख रुपए का मुआवजा, परमानेंट इनकैपेसिटेशन 5 लाख रुपए का मुआवजा। इसी तरह जिनके मकानों को दंगे के दौरान नुकसान पहुंचा है उनके लिए सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। पूरी तरह से बर्बाद हो चुके मकान के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जिस शख्स के मकान के बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचा है उसे 2.5 लाख मिलेंगे। जिनके मकान को मामूली क्षति हुई उन्हें 15,000 रुपए दिए जाएंगे। मुआवजा पाने के लिए नाम पते के साथ साथ आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड की जानकारी भी देनी होगी और उसे SDM ऑफिस में जमा करना होगा। हालांकि कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि दंगे में जिनके कागज जल गए हैं उन्हें अपने आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड का नंबर नहीं मालूम, उन्हें कैसे मुआवजा मिलेगा? डेयरी बेकरी था या क्या था? चाय की दुकान थी जी। दुकान तो जल गया तो कैसे गुजारा होगा, क्या लग रहा है? कैसे होगा भगवान जाने, क्या करूं समझ में नहीं आता। कांग्रेस नेता PL पुनिया ने केजरीवाल सरकार के इस विज्ञापन पर सवाल उठाए हैं। केजरीवाल जी, दिल्ली की सरकार पूरी तरह से मौन बैठी थी और अब दिखावे के लिए दो दो पेज के एडवर्टीजमेंट, फुल पेज के एडवर्टीजमेंट, सिर्फ ये बताने के लिए कि हम क्या मुआवजा देंगे और क्या फार्म है। वहीं केजरीवाल सरकार का दावा है कि दंगे का मुआवजा वास्तविक पीड़ित तक पहुंचे और उसका दर्द कम हो सके, इसके लिए ऐसे सेंटर का भी इंतजाम है जहां कागज नए सिरे से बनाए जाएंगे। कई लोगों के जिनके घर पूरी तरह से जल गए उनके आईडी कार्ड, आधार कार्ड, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी डीड्स वगैरह जल गए होंगे, तो उसके लिए स्पेशल कैंप्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट लगाएगा जगह जगह पे ताकि उनको ये कागज दोबारा बनवाने में दिक्कत ना हो। वैसे एक सच ये भी है कि जिन्होंने दंगे की त्रासदी को झेला है उसकी भरपाई मुआवजे से कभी पूरी नहीं हो सकती। हिंसा की तस्वीरें दिल्ली के जहन से कभी नहीं उतर सकती। टीम न्यूज़ नेशन।